ओके मिस यू टू मिस यू टू। मेरे को रास्ते पे एक बच्चा मिला है, भाई मिला है, तो वही ये पूछ लीफ मांग रहा था मेरे को। देवरा ना है कि कौन थके घर कौन थके। ड्यूटी के लिए निकल ही गया था, फिर से बारिश। यूट्यूब चैनल तो फिलहाल आज डेट हुई है, आज पहुंच गया हूँ मैं कॉलेज पे, वही क्लास पे। अभी फर्स्ट स्टूडेंट आने वाले, 10 बजा नहीं अब तक, 10 बजे क्लास है। तो अभी टाइम हो चुका है आपका 9:47 हो गया AM। तो फिलहाल डे 3, तो इट वाज अमेजिंग सेशन टिल नाउ 2 डेज, अभी तक बढ़िया गया है, एकदम सही तरीके से गया है। फाइनली सेशन इज ओवर टोटली, तो अभी द 4th डे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी रेस्टोरेंट में आया हूँ, वही आज मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को जैकफ्रूट का सब्जी मिला है। ऑसम, एकदम टेस्टी वाला। हम लोग देख सकते हैं तो फाइनली खाना खा के हो चुका है। तो इतना मैं वीडियो बाहर में बनाता नहीं हूँ, अपना काम के टाइम में बहुत दिक्कत हो जाता है उस पर, मतलब क्या होता है ध्यान लगाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है उस टाइम, तो इसलिए तो स्किप करता हूँ। लेकिन आप लोगों को तो थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा बहुत तो ब्लॉग मिलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी टाउन में कुछ खा पी के हो चुका है, तो कुछ बाजार करने वाला है। टाइम 7:30 हो चुका है, तो मैं अभी हो गया टाइम उठा हुआ। तो आज हम मेरा 5th डे है, तो मतलब आप लोगों को पता चल रहा है ना, मैं इतना ये जो ब्लॉगिंग का जो हर टाइम एक्टिव रहना है ना, वो मेरे से नहीं हो रहा है। तो मैं मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ अपने ब्लॉगिंग के लिए। तो आप लोग मतलब बुरा मत मानना, मतलब क्यों नहीं आ रहा है ब्लॉग्स, क्यों नहीं आ रहा है नेक्स्ट ब्लॉग, इतना लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं अब केदारनाथ यात्रा का ब्लॉग्स अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो आप लोग मतलब सोच रहे होंगे ना शायद, तो मेरा मतलब ड्यूटी भी चल रहा है, घर का काम भी चल रहा है, सब कुछ एक साथ ही चल रहा है, मतलब इसलिए मतलब दिक्कत होता है। दिक्कत मतलब हाँ दिक्कत ही है, वो मैनेज नहीं हो रहा है। और मतलब एक प्रॉपर टाइम होता है ना स्लीपिंग का, वो मैं मतलब मेंटेन करता हूँ वही। तो ये आने के बाद तब से बारिश बारिश बारिश, कल का पता ही चल गया मेरा मतलब कैसा पूरा भीग गया ऊपर से नीचे। आज मतलब थोड़ा शरीर मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही मतलब क्या है एक्टिव, फुल एक्टिव नहीं लग रहा है। तो ये सुख मतलब मैं ये आशा करता हूँ कि आज मतलब बारिश ना दे, अभी तक तो ठीक ही है, कल भी वैसा ही था। लेकिन रास्ते में जितना बारिश दिया ना, मैं कल 6 घंटे से ज़्यादा भीगा रहा, जूता भी भीगा रहा। तो आज सोच रहा हूँ क्या पहन के जाऊँ यार, दोनों ही जूता था, दो जूता ही मतलब वो ख़राब हो चुका है, पूरा भीगा हुआ है, अभी देखते हैं। और मतलब कल ऐसा लगा मतलब कब छुट्टियाँ कब ख़त्म होगा क्लास, वैसा ही लग रहा था मेरे को कल, बहुत ही मतलब पड़ा रहा हूँ जूता से, नीचे से पानी बह बह के जा रहा था, वही दिक्कत हो रहा है। तो मैं भगवान से प्रे करता हूँ प्लीज़ आज बारिश मत दो, प्लीज़ प्लीज़ बारिश मत दो। तो आज 5th डे है, बस थोड़ी देर के बाद नहा के खा के निकल जाऊँगा। अभी बहन को सब्जी काट के दे दिया है, तो वही हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं फुल ब्लॉग जो डेली ब्लॉग होता है ना घर का, फैमिली मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ सब कुछ देने वाला हूँ अपकमिंग डेज में, मैं ज़रूर दे रहा हूँ। अच्छा से ब्लॉग बनाने के लिए टाइम मैनेज कर रहा हूँ ओके। तो अभी फ़िलहाल इतना व्यस्त हूँ, सब टाइम मेरे को कैमरा लेके बोलने के लिए टाइम वो मैनेज करने के लिए दिक्कत होता है, तो इसलिए। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी। কি ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই
পয়সা খুঁজি বলে গেছিল গো দেউতা নাই কি কোন থাকে ঘর কোন থাকে অকল মা আর কোন আর কোন আছে দিদি দুটা কি করে এটা ঘর কোন চলায় এতিয়া তই দুটাতে ওলালি একো খোৱা নাই কি খালি এটা ক'ত যাবি মানে হোটেল কাম আজি গৈ যোৱাৰ পিছত আৰু নাহ এতিয়া কেতিয়া আহিবি কেতিয়া আহিবি দুৰ্গা পূজাত আহিবি तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे को रास्ते पे एक बच्चा मिला है भाई मिला है तो वही ये पूछ लीफ मांग रहा था मेरे को तो वही इसी को ही अभी उठा के लेके आया बहुत सारा बातें जानकारी लिया इससे मतलब ये अभी होटल के लिए काम करने के लिए जा रहा है एक रुपया भी नहीं है पैदल जा रहा था तो सिर्फ कच्चा आम ही खा के आया था तो ये मेरे को देख आप लोग देख सकते हो ना कैसा है सिचुएशन कोई लोग मतलब ऐसा किसी का ऐसा पैसा होता है वो होता है आप लोग देख सकते हो मेरे आंखों के सामने कैसा मतलब ज़िंदगी जी रहा है कैसा हो सकता है देख सकते हो मतलब एक रुपया भी नहीं है खाने के लिए अभी मैं इसको मिला मुझे अब इसको मैं छोड़ के आऊँगा होटल तक बिरयानी में मिला था ये रास्ते पे मेरे को लीव मांग रहा था तभी लेके आया तो इसमें देखो आप कैसे ज़िंदगी जी रहा है एक पैसा भी नहीं है फिर भी मतलब ऐसा घर को चलाने के लिए अभी जो काम के लिए आ रहे हैं होटल में काम करने के लिए दौड़ आते हैं देख सकते हो हम लोग कितना लकी है कितना कुछ मिलता है यहाँ फैमिली सपोर्ट पॉकेट मनी एवरीथिंग सब कुछ मिलता है लेकिन देखो आप लोग यही तो समझना है ना जस्ट हम लोग को समझना है कि इसके जगह में रह के देखना है ना तभी पता चलता वैल्यू क्या होता है कि नहीं पैसा का वैल्यू क्या होता है बस ये सब का मतलब आप लोग खुद देखो ना हम लोग कितना लकी है कि नहीं है हम लोग को क्या क्या कुछ नहीं मिला है आप लोग देख सकते हो यार मेरे को मतलब बुरा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है जो भी हो जितने हेल्प कर चुके हो कल डेट कर देता हूँ मैं अभी इसको भूख लग रहा है बहुत ही भूख लग रहा है बोल रहे अभी इसको पराठा खिला देते हैं ओके अभी मैं पैसा दे दिलूँ ओके बाय बाय तो इसको अभी यहाँ से तो मैं लैब जाने वाला हूँ इसको मैजिक पे उठा दिया है और भाड़ा भी दे दिया है तो अभी फ़िलहाल मैं निकलता हूँ लेट हो रहा है बहुत ही लेट हो चुका है अभी सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है 10 मिनट में बहुत दूर पहुँचना है अभी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं 10 मिनट 15 मिनट लेट होने से भी कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि किसी का काम आ गया हो ना आज मैं অনুভৱীয়া তোমাৰ সেই হৰণ জনা কি সন্ধিয়াৰ সেমেকাই মন উজাগৰি নিশা তোমাৰ আগমন জনা কি আকাশ তোমালে মন থেংক ইউ বাই বাই ফটো ओके मिस यू टू बस एटुए ভাল লাগিব যেতিয়া তোমালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিবা হ্যাঁ তোমালকে তোমালকে 100% জিখিনি এ হিকিলা ওয়ার্কশপ তো যদি তোমালকে এপ্লাই কৰিলা সাকসেস হলা তেতিয়া হিদনাখন মু কারণে মানে ভাল লাগিব মানে তোমালকে সাকসেস মানে মু সাকসেস আলটিমেটলি ওকে মুকে ফোন কৰিবা ওকে থ্যাংক ইউ